एस्केरिस्लुम रिकॉर्ड्स, तो ये इंटेस्टाइनल नेमेटोड है, पर्टिकुलरली फाउंड इन एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट सैनिटाइजेशन, जहाँ पे इनएडिक्वेट सैनिटाइजेशन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके तीन फॉर्म होते हैं, एडल्ट फॉर्म, लार्वल फॉर्म, एक फॉर्म। अब जो एडल्ट फॉर्म है वो फ्रेशली एक्सपेल्ड जो एडल्ट फॉर्म है वो एडल्ट फॉर्म है वो पिंकिश कलर का होता है, सिलिंड्रिकल इंटीरियर एंड होता है जिसमें माउथ होता है और इसमें तीन टूथ डिलीप होते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो फ्रेशली एक्सपेल्ड वॉर्म है वो पिंकिश कलर, सिलेंड्रिकल इंटीरियर एंड जिसमें माउथ, और माउथ में थ्री टूथ डिलीप होते हैं। ये 1 to 2 years लाइव करता है। एडल्ट मेल जो है वो 15 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 4 mm इन डायमीटर होता है। इसमें पोस्टीरियर एंड जो है वो कर्व होता है मेल का, और उसमें 2 copulatory स्पैकल्स पाए जाते हैं। एडल्ट जो फीमेल है वो 20 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 to 6 mm इन डायमीटर, उसका पोस्टीरियर एंड जो है वो स्ट्रेट है, कॉनिकल है। वल्वा है जो जंक्शन पे लाइज करती है इंटीरियर एंड मिडिल थर्ड ऑफ बॉडी। जो इंटीरियर मिडिल थर्ड ऑफ बॉडी है उसके जंक्शन पे वल्वा लाइज करती है, जिसे वल्वुलर वेस्ट कहा जाता है। फीमेल जो होती है वो ओविपेरस होती है, और ये 2 leg egg प्रोड्यूस करती है जो कि फेसेस के थ्रू पासिस हो जाते हैं। एक की बात करें तो 2 तरीके के एग होते हैं, फर्टिलाइज एग जो कि मेटिंग से बने, और अनफर्टिलाइज एग जो विदाउट मेटिंग से बने। तो फर्टिलाइज एग होते हैं वो 60 to 40 माइक्रोएम इन डायमीटर होते हैं, येलो ब्राउनिश कलर के होते हैं, और एक के अंदर अनसेगमेंटेड ओवम रहेगा, अनसेगमेंटेड ओवम प्रेजेंट रहेगा। उसके चारों तरफ एक सेल रहेगी, और जो ओवम और एक सेल है उसके बीच में क्लियर केसेंटिक स्पेस प्रेजेंट रहेगा। अब जो एग है, एक सेल है, वो एल्ब्यूमिनस कोट से कवर रहती है, और ये इसको डेवलपमेंट के फर्टिलाइजेशन के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। सोयल के अंदर ये डेवलप हो जाते हैं 30 to 40 days में। फिर ये रेपिडिटी फॉर्म लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ह्यूमन के लिए। जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, वो 90 to 45 माइक्रोम इन डायमीटर होता है, और ये एक सेल जो होती है उससे कवर रहेगा तो वो थिन होगी। साथ में यहाँ पे जो ओवम है वो एट्रोपिक रहेगा, डिसऑर्गेनाइज ओवम रहेगा। एक सेल जो है वो थिन होगी, एल्बुमिनस कोट अगर प्रेजेंट है तो वो भी थिन होगा, और एक सेल और जो एट्रोपिक ओवम है उसके बीच कोई क्लियर क्रेसेंटिक स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये डायग्राम में हम देखते हैं, तो ये जो डायग्राम दिखाया है जैसे फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग, तो इसमें थिनर सेल होती है, रेगुलर एल्बुमिनस कोट रहता है, और जो फर्टिलाइज एग है उसमें क्लियर क्रेसेंटिक एरिया, अनसेगमेंटेड ओवम और सेल रहती है, और सेल के चारों ओर एल्बुमिनस कोट पाया जाता है। तो ये इसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें तो जो इसकी लाइफ साइकिल है वो सिंपल होती है। उसको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो है ह्यूमन के लिए फुल्ली डेवलप एग होते हैं, जिसमें जिसे एम्ब्रियोनेटेड एग कहा जाता है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट रहता है। एग जो है होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हैचिंग होती है उसकी, और वहाँ पर लार्वा रिलीज हुआ। लार्वा जो है वो म्यूकोसा को पेनिट्रेट करता है और पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है। यहाँ पे ये लीवर में जाता है, उस लीवर में ये 3 से 4 दिन तक रहता है। इसके बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर करता है। इसके बाद ये लंग्स तक चला जाता है। 10 to 15 days लगते हैं इसको डेवलपमेंट होने में प्रॉपर। लार्वा जो है वो पेनिट्रेट करेगा कैपिलरीज को, और फिर एल्वेले के अंदर इंटर हो जाता है। इसके बाद जो लार्वा है वो असेंड करेगा ऊपर की तरफ, ब्रोंकियल ट्री, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, और फिर उसके बाद लार्वा जो है वो क्रोल के द्वारा क्रोलिंग करेगा, और फिर वापस से एपिग्लोटिस, और वहाँ पे जाने के बाद ये सलाइवा के थ्रू वापस से स्वेलिवेट हो जाएगा। फाइनली वापस से ये कहाँ पे आ गया, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इसको 6 to 10 weeks लगेंगे एडल्ट में ग्रो होने में। अफ्टर मेटिंग के बाद ये फीमेल जो है वो एग लेस करेगी, और जो एग है वो एम्ब्रियोनेटेड
हो जाएंगे इन सोइल में, और फिर लाइफ साइकिल इसकी रिपीट होती रहेगी। क्लिनिकल फीचर्स, तो स्कैरिस लिम्रिकोइड से इसमें लार्वा और एडल्ट दोनों के कारण फीचर्स देखने को मिलेंगे। लार्वा फॉर्म के कारण जो है माइग्रेटिंग लार्वा, वो साइन सिम्टम प्रोड्यूस करेगा लंग्स में, जैसे कि नॉन प्रोडक्टिव कफ, सब एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट, डिस्पनोइया, ये सारे सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। स्पूटम आ रहा है उसका, और ब्लड आ रहा है उसमें भी, स्पूटम में फीवर, इओसिनोफीलिया, और दिस सिम्टम आर रिजल्ट ड्यू टू लार्वा पेनिट्रेट थ्रू एल्वेलाई, पेनिट्रेशन के कारण आ रहा है। सो पेनिट्रेटिंग लार्वा प्रोड्यूस माइक्रो हेमरेज प्रोड्यूस कर रहा है, और इओसिनोफीलिया प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्टिंग इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे लोफलस न्यूमोनिया भी कहा जाता है। तो माइक्रो हेमरेज और इओसिनोफीलिया, जैसे लोफलस इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया भी कहा जाता है, लोफलस न्यूमोनिया। एडल्ट वॉर्म जो है वो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन काज कराता है वेन प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर, जब लार्ज नंबर में रहेगा, स्पेशली इन चिल्ड्रंस के केस में ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा फूड्स का, और माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। जो वॉर्म है वो अपेंडिक्स में इंटर करके अपेंडिसाइटिस, कोलेंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, ये सारे सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। माइग्रेशन थ्रू द इसोफेगस से ये माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे, तो लेरिंग्स में जाके वहाँ पे एस्पेक्सिया का असर आता है। और लेब डायग्नोसिस की बात करें तो इसको एक का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फेसेस का सैंपल लेंगे, एडल्ट का के लिए भी हम फेसेस वोमिट और नोज से स्वेब ले सकते हैं, और लार्वा के लिए हम स्पूटम, प्लेन स्पूटम लेंगे, एक्सरे, USG, ये सब इसके लिए डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो मेलबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे, तो वैसे तो ये यूज़ करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और पायरेंटल पामेटेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पायरेंटल पामेटेट और होम्योपैथिक ड्रग्स लाइक सीना, मेरिटिमा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग फूड, अवॉइड कंजेशन ऑफ अनकुक्ड वेजिटेबल और ग्रीन सलाद जो होते हैं उनको बिना पके नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, कंटामिनेटेड फेसेस से बचाने के लिए, और वास उनको धोना चाहिए प्रॉपरली। तो ये इसके लिम्रिकोइड्स हमने कंप्लीट देखा, इसकी लाइफ साइकिल भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो इसके लिए सिंपल लाइफ साइकिल होती है, इन्फेक्टिव फॉर्म है वो एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं जिसमें लार्वा कंटेंट रहता है, एग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच होंगे जिससे लार्वा रिलीज होगा, लार्वा जो है म्यूकोसा को पेनिट्रेट करेगा और पोर्टल सर्कुलेशन में इंटर होगा, लीवर में 3 to 4 days रहेगा, इंटर हो जाएगा फिर उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वहाँ पर लंग्स में रीच हुआ, वहाँ पर 10 to 15 days डेवलपमेंट होगा उसका, फिर लार्वा जो है पेनिट्रेट करेगा कैपिलरीज को और एल्वेलाई के अंदर इंटर हो जाएगा, वहाँ पे लार्वा असेंड करेगा ब्रोंकियल ट्रीट, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, और फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस से होते हुए स्वेलोड हो जाएगा सलाइवा के द्वारा, उसके बाद ये फाइनली पहुँच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये एडल्ट में ग्रो हो जाएगा 6 to 10 weeks के अंदर, उसके बाद ये मेटिंग होगी और फर्टिलाइज एग बने, फिर एग जो है वो सोइल में मेरिनेटेड होंगे और लाइफ साइकिल रिपीट होगी।